लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। राजस्थान ने चूरू से सांसद राहुल कस्वा को भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। राहुल कस्वा के पिता भाजपा के चूरू से सांसद रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि बीजेपी ने राहुल का टिकट काट दिया था। राहुल कस्वा ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। राहुल कस्वा ने बताया कि उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए। उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो सांसद राहुल कस्वा ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मेरी जो जन भावनाएं मेरी लोकसभा सीट के प्रति थी, जिसमें किसान के मुद्दे सहित अन्य मुद्दे रहे हैं, मेरे लोकसभा सीट के लोगों की आवाज को सुनते हुए मैं आगे वैसे ही काम करता रहूंगा। बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कस्वा का टिकट काट दिया था। उन्होंने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई थी। राहुल कस्वा ने कहा था कि मैंने कभी कोई लालसा नहीं रखी, मेरी सदैव लालसा रही है कि मेरे चूरू लोकसभा परिवार की समृद्धि के लिए हर मुमकिन प्रयास करता रहूं। फिर भी मुझे समझ नहीं आया और ना ही कोई बता पाया कि मेरा गुनाह क्या था। वहीं राजस्थान भाजपा के नेताओं ने कहा कि पार्टी ने राहुल कस्वा और उनके पिताजी को बहुत कुछ दिया। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको मौका मिलना चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो कोई नहीं रोकेगा। वहीं इस नाराजगी से साफ हो गया था कि राहुल की भाजपा से मोह भंग हो गया था।